3D मोड पे अगर जाते हैं तो ये कुछ इस तरह की क्वालिटी, गजब, बहुत शानदार जाता है। आपको टच सेंसिटिव मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, इस वेरिएंट में आपको जो है ना, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे फ्रेम में देखिए दोस्तों, आज हमारे पास है ऑल न्यू 2023 टाटा सफारी। वेरिएंट की बात करूं तो टॉप एंड वेरिएंट एकॉम्प्लिश्ड डार्क एडिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस वेरिएंट में आपको कहां क्या कुछ मिलता है, कितनी इसकी इंजन पावर रहने वाली है, क्या पावर जनरेट करती है, फीचर्स के मामले में कहां क्या मिलता है, एडास में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कितनी इसकी एक्सोरूम होने वाली है। और दोस्तों मैं इस वक्त हूँ टेलमोस टाटा मोटर हिसार के अंदर, जो आपको मिलेगा हिसार टू चंडीगढ़ रोड पर, ठीक है। और बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर और वीडियो के अंदर आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर जो भी इंक्वायरी चाहते हैं टाटा सफारी या टाटा की किसी भी कार के बारे में, तो वहां जाके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बात करेंगे चाबी की, तो देखो चाबी आपको कुछ ऐसी मिलेगी टाटा की जानी मानी टिपिकल की जैसी की आती थी। इसके अंदर आपको गाड़ी को अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए फॉलो मी हेडलैम्प मिल जाएगा, और आपको जो है ना बूट ओपन करने के लिए इसके अंदर जो है बटन्स मिल जाते हैं। चार बटन है और टिपिकल चाबी है, और दो की आपको रिमोट की देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सोरूम प्राइसिंग की, तो देखो गाड़ी की जो इंट्रोड्यूसर प्राइस है वो आपको 16,19,000 मिलती है, मतलब सबसे बेस वेरिएंट आपको 16,19,000 में मिलेगा। लेकिन सामने है टॉप एंड वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो 25,49,000 रुपए आपको एक्सोरूम देखने के लिए मिलेगा। अगर इंजन की बात करें तो 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर क्रायोटेक इंजन देखने के लिए मिलता है, 170 bhp की पावर और 350 Nm का भारी भरकम टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो 14.5 का ARI माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो 16.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब देखिए डायमेंशंस की बात करूं तो दोस्तों डायमेंशंस आपको वीडियो के नीचे जो है ना दिखाई दे रहे होंगे, तो वहां जाके आप जो है डायमेंशंस देख सकते हैं। तो चलो आप शुरू करते हैं और फ्रंट से देखते हैं कहां क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो सबसे पहले फ्रंट में आ जाते हैं, तो सीक्वेंशियल इंडिकेटर तो दोस्तों आपको दिख ही रहे होंगे, और इसी के अंदर जो है ना आपको DRL मिल जाएंगे। एक फीचर और बताता हूं, इसके अंदर जो है ना आपको वेलकम लाइट और गुड बाय लाइट का फीचर मिलता है, तो वो कैसे होगा तो मैं उसका प्रैक्टिकल आपको अभी करके दिखाता हूं। तो दोस्तों अब मैं सामने की तरफ आ गया हूं, तो जैसे ही अब मैं गाड़ी को लॉक करूंगा तो देखिए ये, देखिए ये है दोस्तों इसका वेलकम लाइट का फीचर, और अगर गुड बाय लाइट की बात करें तो ये देखिए गाड़ी लॉक होने पर कुछ इस तरीके की गुड बाय लाइट फीचर मिलेगा। सबसे पहले फ्रंट में देखते हैं तो आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर और LED DRL तो मिली जाते हैं। यहाँ पर देखें तो प्रोजेक्टर बेस्ड बाई फंक्शनल हेडलैम्प मिल जाते हैं, इसके नीचे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड फॉग लाइट मिलती है। यहाँ पर सफारी का मैस्कॉट लिखा मिल जाता है। एयर वेंट की बात करें यहाँ मिलेगा। सामने फ्रंट में देखें तो एक और दो फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे। यहाँ फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये पूरी की पूरी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, इसके अंदर टाटा का लोगो, और यहाँ पर आपको ये कैमरा दिख रहा है 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे बात करें तो एडास लेवल 2 आपको या एडास 2.0 का फीचर आपको देखने के लिए मिलता है, और एडास के जितने भी फीचर है ना मैं आपको बताता जा रहा हूं कहां पर होंगे, और पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो आप स्क्रीन पर जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा गाड़ी के एडास के फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा, तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो सबसे पहले व्हील आर्चेस की बात करें तो बहुत ही पतले पतले व्हील आर्चेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। और दोस्तों अगर व्हील साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको अब 19 इंच का व्हील साइज मिलेगा 245/55 की प्रोफाइल के साथ में। यहाँ पर एलॉय व्हील की बात करें तो ये जो है ना आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक में मिलता है, ये इतना जो पार्ट लगा हुआ है, बाकी सब कुछ आपको जो है ना एलॉय में मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और अगर रियर की बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे। टायर प्रोफाइल की बात करें वंडरर का आपको टायर मिल रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर तो डार्क का हैशटैग डार्क का आपको यहाँ पर लोगो मिल जाता है। यहाँ पर फ्रंट डोर पर और पैसेंजर साइड डोर पर दोनों ही जगह आपको सफारी का मैस्कॉट देखने के लिए मिलेगा। ORVM की बात करें तो जैसे ORVM पहले आते थे वैसे ही अब भी मिलेंगे आपको। यहाँ पर 360 कैमरा और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। ऑटो फोल्ड का ऑप्शन है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए एडास का एक फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लाइंड व्यू मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे और अगर कोई ब्लाइंड एरिया में होगा तो वो उसके लिए आपको जो है ना गाड़ी इंडिकेशन दे देगी। यहाँ पर देखें डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं टाटा का 25 साल में 50 लाख कार बेचने वाला बैच आ जाता है। यहाँ पर
फ्यूल टैंक की बात करें 50 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, और डीजल कैप की बात करें तो आप पुश टू ओपन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, बस आपको पुश करना है और डीजल टैंक ओपन हो जाएगा, ठीक है, फ्यूल फिलर कैप ओपन हो जाएगा। पीछे की लाइट की बात करें तो दोस्तों वेलकम फीचर और गुड बाय लाइट का फीचर आपको टेल लाइट के अंदर भी दिखेगा, और देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है, पूरे बूट के ऊपर टेल लैंप मिलेगी। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट मिल जाती है, यहां पर एक दो रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ मिल जाएंगे। नीचे अगर इसकी बात करें स्किड प्लेट की, तो ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगी, यहां पर सफारी का लोगो, यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा टाटा का लोगो, और रियर डिफोगर, और उसके बाद रियर वाइपर तो मिल ही जाता है। यहां पर आपको बात करें तो ये रियर स्पॉयलर के ऊपर यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और रह गई, यहाँ पर रूफ रेल्स की बात करें तो ये देखो मैट ब्लैक फिनिश में, ये इतना पार्ट जो है मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, और नीचे की तरफ बात करें तो ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए इसमें देख लेते हैं वेलकम लाइट और गुड बाय लाइट का फीचर। गाड़ी अभी ओपन है, अब मैं लॉक करता हूँ गाड़ी को, तो देखिए इसमें गुड बाय लाइट का जो फीचर है वो मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। और अब अनलॉक करने पर ये फिर से इस तरीके से, तो ये आपको कुछ ऐसा फीचर मिल जाएगा। अब सबसे पहले अंदर की तरफ चल के देखेंगे क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या नए फीचर देखने के लिए मिलेंगे। सफारी का नाम जो है वैसे ही लोगों की जुबान पे इस वक्त चढ़ा हुआ है, तो सारे फीचर सब एक एक करके देख लेते हैं डिटेल में। तो डोर को करते हैं ओपन, तो सबसे पहले फ्रंट डोर पे देखो, लेदर कुशनिंग मिलेगी आपको यहाँ पर, उसके बाद ये पूरा पार्ट प्लास्टिक में मिलता है, ये प्लास्टिक में मिलता है, यहाँ पर ये भी प्लास्टिक में मिलता है। पीछे वाली गाड़ी के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर, स्पीकर। अब बात करेंगे दोस्तों इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो इस वेरिएंट में आपको जो है ना 12.5 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है, 360 कैमरा, आप देख लो क्वालिटी कैसी मिलेगी, ठीक है। 3D मोड पे अगर जाते हैं तो ये कुछ इस तरह की क्वालिटी, गजब, बहुत शानदार लुक आ रहा है। उसके बाद देखिए जिधर का मोड आपको देखना है आप यहां से अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। 2D मोड पे जाएं तो यहां पर, और पीछे की तरफ देखें तो सेंसर कुछ इस तरीके से ये आपको मिल जाएंगे, तो यहां पर आपको जो है 3D का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए यहां पर AC वेंट मिल जाते हैं, यहां पर सेंट्रल कंसोल देखने के लिए मिलेगा, और फुली डिजिटल मिल जाता है, डिजिटल मतलब टच्ड मिल जाता है आपको, टच सेंसिटिव मिलेगा। जैसे कि यहां पर, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, इस वेरिएंट में आपको जो है ना 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। अब 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल होता क्या है दोस्तों, इस वेंट की हवा और इस वेंट की जो एयर वेंट है, आप उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वेंट के लिए या 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ये जो बटन है ये फिजिकली मिलेंगे, बाकी सारे बटन जो है ना टच सेंसिटिव मिलते हैं। 360 कैमरा गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ पर हेडलाइट के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर रिसर्कुलेशन मोड मिल जाता है, रियर डिफोगर और फ्रंट डिफोगर के लिए मिल जाता है, यहाँ पर ऑटो के लिए मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो 45 वॉट का चार्जर और एक टाइप ए पोर्ट। अब 45 वॉट का अंदाजा दोस्तों इसी चीज से लगा लो कि जो एप्पल मैकबुक होती है वो 18 वॉट पर चार्ज होती है, और यहाँ पर आपको 45 वॉट दे दिया टाटा ने, कितनी अच्छी बात है, इस बात के लिए एक लाइक दबा देना। यहाँ पर देखें तो आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये है आपके लिए मोड चेंज करने के लिए डायल, यहाँ पर रफ मोड के लिए मिल जाता है आपको ऑप्शन, और वेट रोड के लिए मिलता है, और आपको जो है यहाँ पर सीधे सिटी ड्राइव मोड। हाँ दोस्तों वॉइस नोटिफिकेशन आपको इसमें मिल रहा है, पता नहीं वॉल्यूम क्यों कम आ रही है वो देखना पड़ेगा, बहुत स्लो आ रही है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो दोस्तों ये जो चीज है ना कंसोल, ये बहुत शानदार लग रहा है, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पर आपको देखो ये इको मोड के लिए, और ये जो है आपको स्पोर्ट मोड के लिए मिल जाता है बटन। उसके बाद देखो यहाँ पर मिलेगा आपको ई शिफ्टर, ये है दोस्तों शानदार चीज, ये देखो कुछ इस तरीके से बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको गियर डालना है। उसके बाद देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, दो कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद देखो यहाँ पर ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका आर्म रेस्ट, 12 वोल्ट का चार्जर, एक टाइप ए पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा, और साथ में कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ग्लोव बॉक्स कुछ ऐसा मिलेगा, उसके अंदर लाइट भी मिल जाती है, और आपको एक कंपार्टमेंट, अलग से कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा, अलग से इसका जो मैनुअल वगैरह है उसे रखने के लिए कुछ इस तरीके से, तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है, इसे निकाल के नीचे ही रख देते हैं, बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये लेदर में आपको दिखाई दिया, साथ में एम्बिएंट लाइटिंग दिखा दी, ऊपर की तरफ मैंने आपको ये दिखा दिया ऑटो डिमिंग IRVM,
यहाँ पर पैसेंजर साइड में ये रह गया दोस्तों, पैसेंजर साइड में सनशेड है, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलेगा, साथ में जो छोटी छोटी लाइट भी मिल जाती है। ड्राइवर साइड में जो सनशेड है उसमें कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और एक चीज और, जो अंदर का पूरा एम्बियंट है या अंदर का पूरा कुशनिंग वगैरह है वो सब कुछ ब्लैक मिलने वाला है, ठीक है। ब्लैक एडिशन है या डार्क एडिशन है तो उसमें कंपनी ने सब कुछ जो है ना ब्लैक कर दिया है। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं पीछे की तरफ, तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से रियर डोर। सबसे पहले तो ये कर्टन देख लो, ये एक नया फीचर आया है, ठीक है। गर्मियों में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, लोग आफ्टर मार्केट लेके चिपकाने वाला लगाते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी ने दिया है तो बस इसे ऐसे खींचना है और इस तरीके से टंगा देना है जब जरूरत हो, उसके बाद हटा देना है। यहाँ पर आपको सेम वही कुशनिंग मिलेगी, लेदर कुशनिंग मिलेगी, पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर डोर हैंडल्स डार्क क्रोम के अंदर, यहाँ पर ग्रैब हैंडल लेदर फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में, एक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। और अगर यहाँ से देखें पीछे वाली सीटिंग, तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में एक्स्ट्रा कुशनिंग देखने के लिए मिल रही है। अब देखो ये कैसे काम करती है, आपको अपना सर यहाँ रखना है और आपको जितना इसे एडजस्ट करना है आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, या फिर अगर सीधा करना है तो कुछ ऐसे सीधा कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसमें लगा दिया है एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए। 60-40 में ये जो दोनों सीटें ये स्प्लिट हो जाती है, और अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो सेंटर में विद कप होल्डर आर्मरेस्ट भी आपको मिलेगा। पीछे बैठ के देखते हैं स्पेस कितना मिलता है, तो देखो यहाँ पर आ गए दोस्तों। मेरी हाइट जो है ना दोस्तों 6 feet है। अब 6 feet हाइट के अकॉर्डिंग मैंने जो है ड्राइवर सीट एडजस्ट की थी, लेकिन उसके बाद भी देखो नी रूम देखो और उसके बाद नीचे लेग रूम देखो, काफी सारा स्पेस मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये आपको एक स्पेस मिल जाता है, नीचे एक टाइप सी और टाइप ए पोर्ट दोबारा से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है बॉस मोड देखने के लिए मिलेगा। बॉस मोड का फीचर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा बैठा है और उसे ये सीट आगे करनी है, तो आपको यहीं बैठे बैठे कुछ इस तरीके से इसे आगे और पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे स्लाइड करनी है, रिक्लाइन करनी है, तो ये देखिए आगे की तरफ जा रही है सीट, ये देखिए। तो ये बॉस मोड का फीचर जो है ना, ये बहुत शानदार फीचर है, और सबसे पहले सफारी ने ही इंट्रोड्यूस किया था इस फीचर को। उसके बाद पीछे पैसेंजर बैठे हैं तो उनके लिए वेंट भी चाहिए, तो वेंट आपको मिलेंगे भैया यहाँ पर बी पिलर के अंदर जो है ना, पीछे मिडिल रो के लिए वेंट मिल जाते हैं। एक वेंट आपको यहाँ मिलेगा और एक वेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। पीछे से देखें डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा और यहाँ पर पैनारोमिक सनरूफ का लुक कुछ ऐसा आ जाता है। अब एक लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से, ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, साथ में ये छोटा सा आपको हुक भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके का। अब बात करेंगे थर्ड रो की, थर्ड रो के क्या हाल है, क्या घुस सकते हैं थर्ड रो के अंदर या नहीं, और अगर घुस भी सकते हैं तो कहां से घुसेंगे, तो ये भी देख लेते हैं चल के थर्ड रो की तरफ। तो करते हैं डोर को ओपन, और उसके बाद दोस्तों यहां से थर्ड रो के अंदर जाने का ऑप्शन है। आपको कुछ इस तरीके से इसे, यहां पर ये लीवर दिख रहा है, इसे ऐसे करना है, और उसके बाद ये जो सीट है ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। थोड़ा सा मुझे हाथ लगाना पड़ा, हालांकि ये खुद ब खुद हो भी जाती है। तो ये जो स्पेस है ना, ये इतना स्पेस आपको थर्ड रो में जाने के लिए मिलेगा। अब जाके देखते हैं स्पेस कितना है आपको बैठने के लिए। तो चलते हैं पीछे की तरफ और आ जाते हैं यहाँ थर्ड रो में, और तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का। देखो पीछे की बात करूं ना, बच्चा ही बैठ सकता है या छोटी हाइट का बंदा बैठ सकता है, लेकिन पीछे के लिए भी देखो पूरा इंतजाम किया है। यहाँ पर एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पर देखें तो फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको नॉब भी मिल जाती है, छोटा सा कप होल्डर मिल जाता है, और इस तरफ देखें तो एक टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर से एसी वेंट मिल जाता है। मतलब पीछे का भी पूरा ध्यान रखा है, ऐसा नहीं है कि पीछे का ध्यान नहीं रखा, पीछे के पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। 3 point सीट बेल्ट दिखाना भूल गया था, देखो ये दोस्तों मिडिल रो के लिए 3 point सीट बेल्ट आपको मिली रही है, पीछे के लिए यहाँ पर एक लाइट मिली जाती है। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ बूट स्पेस देखने के लिए कि बूट स्पेस आपको कितना मिलेगा। तो ऐसे ही बाहर की तरफ आ जाता हूँ, और इस सीट को इस तरीके से ऐसे करना है आपको सीधा, और ये हो गई एडजस्ट। उसके बाद अगर पीछे की तरफ आए, देखो दोस्तों पहली बात तो आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज, टेलगेट को ओपन करने के 3 तरीके मिलेंगे। एक तो आप चाबी के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आपको सेंट्रल कंसोल पे मिल जाता है बटन, तीसरा आपको यहाँ पर जो है ना जेस्चर कंट्रोल मिल जाएगा, तो जेस्चर कंट्रोल के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। तो भैया से हम कहते हैं एक बार वो इसका प्रैक्टिकल जो है ना वो करके दिखाएं। ये देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से जेस्चर कंट्रोल के थ्रू जो है ना इसका टेलगेट ओपन हो सकता है। अब टेलगेट में बात करें, देखो सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी की, तो पीछे बात करें तो 7-seater वेरिएंट है, तो आपको पहली बात तो बूट स्पेस नहीं मिलेगा इसमें, जो है सिर्फ आप छोटा मोटा लैपटॉप का बैकपैक ही रख सकते हैं। लेकिन अगर इसे बात करें, पीछे वाली सीट को फोल्ड कर दें इस तरीके से,
और इस तरीके से, ठीक है, ये और भी फोल्ड हो जाती है, बिल्कुल नीचे चली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 420 लीटर की कैपेसिटी जो है ना मिल जाती है, ठीक है। और ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो आप जो मिडिल रो की सीट्स हैं इन्हें भी फोल्ड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको जो सीट है मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी है वो और ज्यादा मिल जाएगी, और उसे करने के बाद 840 लीटर टोटल कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है। अब देखते हैं टेलगेट, तो टेलगेट को देखो प्रॉपर तरीके से कवर किया गया हार्ड फाइबर प्लास्टिक से। बूट में एक चीज और रह गई दोस्तों, यहाँ पर बूट लाइट, तो ये बूट लाइट मिल जाएगी। स्पेयर व्हील आपका यहाँ से खुलेगा, और स्पेयर व्हील की पोजीशन दिखा देता हूँ, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लटका हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे बंद कर देते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक टेलगेट है, तो बस बटन दबाना है और इस तरीके से बंद। तो फाइनली दोस्तों ये थी टाटा सफारी 2023 डार्क एडिशन टॉप एंड वेरिएंट एकॉम्प्लिश्ड फेसलिफ्ट वर्जन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में आपको जो है ना कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर मिल जाएगा, तो वहां जाके आप जो है जो भी इंक्वायरी करनी है और किसी भी टाटा कार के बारे में, तो वहां जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।